अध्यात्म में उन्होंने उतनी प्रगति की जितना शायद कोई आश्रम में रह के भी ना कर पाए। ये पिछले 2-2.5 हजार सालों में आया हुआ पागलपन है कि जीवन को छोड़े बगैर तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जीवन में रहते हुए हर चीज को समानता से करना। कृष्ण ने कहा कि समत्व। सवाल है कि घर में रहते हुए, जीवन में रहते हुए किस तरह से अध्यात्म को साधा जाए। मैं यही कहूंगा कि ऐसे कई लोग हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में रहते हुए भी परमात्मा को साधा, अध्यात्म में उन्होंने उतनी प्रगति की जितना शायद कोई आश्रम में रह के भी ना कर पाए। मैं याद दिला दूं तुम्हें तुकाराम की, कि संत तुकाराम थे, वो जीवन में थे, उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, वो अपना पारिवारिक बिजनेस चलाते थे और बाद में धीरे 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 उन्होंने साधना के द्वारा परमात्मा को पाया। उन्होंने अपने भीतर उस जागृति का अनुभव किया जो हर कोई ढूंढ रहा, चाहे राजा हो या रंक, उसी के द्वारा अपने को पूर्णता पाएगा। कबीर थे, वो जीवन में थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, वो अपना काम भी करते थे और अपना अध्यात्म भी करते थे। तुम गुरु नानक को देख लो, गुरु नानक की भी पत्नी थी, बच्चे थे, वो परिवार में थे और उसके बाद भी जब वो अध्यात्म में उन्होंने अपनी प्रगति कर भी ली, वो वहां पहुंच भी गए, उसके बाद भी अगर तुम पाओगे, देखोगे जो भी गुरु नानक जी के बारे में जानते हैं, तो वो जानते हैं कि उनके अंतिम दिनों में जब वो करतारपुर में गए तो वो बैठे नहीं, वो कुछ काम ही कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसा ही धर्म बनाया, जब तुम जीवन में रहते हुए भी परमात्मा की सेवा कर सको, परमात्मा के पीछे अपने जीवन को दे सको। तुम कृष्ण को देखो, तुम राम को देखो, ये पिछले 2-2.5 हजार सालों में आया हुआ पागलपन है कि जीवन को छोड़े बगैर तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ये इस्कॉन जैसी संस्थाओं ने चलाया और दुनिया भर में एक पागलपन है कि संन्यास ले लो, दुनिया को छोड़ो तो ही तुम कृष्ण के पास जा सकते हो, दुनिया को अगर छोड़ोगे तो ही कुछ हो पाएगा, दुनिया गंदी है, माया है, ये है वो है, तो फिर तुम खुद कृष्ण को क्या कहोगे, राम को क्या कहोगे। हमारी जो संस्कृति है वो जीवन को छोड़ने की नहीं, वो जीवन से पलायन करने की नहीं। अगर तुम हमारे पुराने ऋषि मुनियों को भी देखोगे तो तुम पाओगे कि हर किसी का परिवार था, हर किसी के बच्चे थे। सप्तर्षियों के नाम ले लो, तुम पाओगे कि उनके भी बच्चे थे, परिवार था और बावजूद वो सप्तर्षि थे। तुम राम के जीवन को देख लो, तुम कृष्ण के जीवन को देख लो, तुम नानक जी के जीवन को देख लो, तुम तुकाराम जी के जीवन को देख लो, तुम सदगुरु जो अभी फिलहाल हाजिर है उनके जीवन को देख लो, उनकी भी शादी हुई, उनकी भी बच्ची है, तो क्या उन्हें मिला नहीं? मिला, और उन्हें तो मिलने के बाद उन्होंने शादी की। उन्होंने खुद कहा है कि जब वो एनलाइटेड हुए उसके बाद जब उन्होंने प्रोसेसेस बताना शुरू की, देन उनकी पत्नी उन्हें मिली, उनकी शादी हुई, बच्ची हुई। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें तुम्हें अटकाव पैदा करती है, बिल्कुल भी नहीं। जीवन अगर तुम छोड़ भी दोगे तो तुम एक नए जीवन में अटक जाओगे, आश्रम। तो जीवन को छोड़ना मत, जीवन से अपने को बाजू में कर लेना, कमलवत हो जाना। जैसे चिखल में रहते हुए भी कमल को स्पर्श नहीं कह सकता, स्पर्श नहीं कर सकता चिखल, उसी तरह से तुम बन जा, जीवन में रहना, लेकिन अब कोई चीज तुम्हें सताती नहीं। समस्या यह है हमारी अटैचमेंट्स। समस्या है कि अगर पत्नी है, बच्चे हैं, समाज में तुम रहते हो तो तुम्हारी सारी चाबियां तुम अपने हाथ में रखते हो, कोई तुम्हें देख ले गुस्से से तो तुम आग बबूले हो जाए, पत्नी ने तुम्हें कोई एक शब्द कह दिया गलत सलत तो बस तुम झगड़ने के लिए तैयार हो। अगर तुम जीवन में रहते हुए भी ऐसे रहो कि अब कोई सताता नहीं, तुम्हारी चाबी है तुम्हारे हाथ में, तुम तय करोगे तुम्हें क्या करना है, कोई आके तुम्हें दो गाली मार जाए और तुम भड़क जाओ, कोई आके तुम्हारे लिए प्यार भरे दो शब्द कह दे और बस तुम हवे में चले जाओ, और वही अगर तुम आश्रम में बैठे हो और कोई तुम्हारे हिसाब से काम ना करे तो तुम गुस्सा हो जाओ, कोई तुम्हारे सुने तो तुम बड़े खुश हो जाओ, तो बात तो सेम हुई, बात तो सीधी हुई, जैसी की वैसी हुई। तो जीवन को छोड़ने की गड़बड़ी मत करना, थोड़ा पहले अपने पे काम करो, वरना तुम आश्रम में भी आ जाओगे, अध्यात्म में भी आ जाओगे, जीवन को छोड़ के कहीं भाग भी जाओगे तो एक नए जीवन में अटक जाओ, वहां पे वही काम करोगे जो यहाँ कर रहे, उसी वासनाएं उसी इच्छाओं के साथ यहाँ भी जियोगे जो जीवन में जी रहे थे, उससे अच्छा तो जीवन जी लेते। तो जीवन में रहते हुए हर चीज को समानता से करना। कृष्ण ने कहा कि समत्व, कि पत्नी का समय पत्नी को, बच्चों का समय बच्चों को, पैसा कमाने का समय पैसा कमाने के लिए, पढ़ने का समय पढ़ने के लिए और अध्यात्म के समय में अध्यात्म। जब तुम पूर्णता के साथ जियोगे तो तुम पाओगे कि हर चीज में तुम जिए भी और ऊंचा भी उठे। एक बात याद रखना
कि तुम्हारा पूरा जीवन डिस्टार्टेड है। ये ऐसे कि अगर तुम पत्नी के साथ बैठे हो तो ऑफिस के बारे में सोच रहे हो, ऑफिस में बैठे हो तो घर के बारे में सोच रहे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो तो किसी और जगह के बारे में सोच रहे हो, उस जगह पे जाने के बाद घर के बारे में सोच रहे हो, और घर में बैठे हो तो और किसी चीज के बारे में सोच रहे हो। तो जहां तुम हो वहां तुम हो ही कहां। अगर तुम जहां हो वहां होने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। अगर तुम पानी पी रहे हो तो बस पानी पियो, बाथरूम में हो तो बस बाथरूम में हो, पत्नी के साथ बैठे हो तो पति हो, या अगर पति के साथ बैठे हो तो पत्नी हो, और बस वो समय उसी का हो। फिर और कोई सवाल और कोई चीजों के बारे में बात ना। अगर तुम ऑफिस के लिए जा रहे हो तो बस ऑफिस के हो, तब परिवार को भूल जाना। और अगर तुम अध्यात्म में जाते हो, पूजा पाठ के लिए बैठे हो, तो बस 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अपनी साधना में रहना, दुनिया के सवाल तुम्हें सताए ना। अगर इस तरह से तुमने शुरुआत की तो तुम पाओगे कि जीवन में रहते हुए भी तुम्हारे भीतर कुछ पनपा, कुछ खूबसूरत निकला, कुछ आनंद तुम्हें आया इस जीवन का। वरना क्या जिए, ना राम मिला ना राजा, ना राम मिला ना जीवन, ना राम मिला ना माया, ऐसे ही तुम जी रहे। उससे बेहतर यही है कि जीवन में रहते हुए शुरुआत करना, बाद में देखेंगे।